और ये बहुत ही अच्छा थ्रो सचिन शारदा द्वारा, दूसरा थ्रो और सीधा विकेट में जाके लगी बॉल। लगता है इन्होंने बचपन में कच्चे बहुत खेले हैं, बहुत ही सटीक निशाना सीधा विकेट पे। यहाँ पे लगता है कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई थी विक्रम बाजे की, बहुत ही अच्छा खेल रहे थे और इसी के साथ बहुत ही अच्छी बॉल डाली इन्होंने, बीट कराया बैट्समैन को और सीधी विकेट पे जाके लगी बॉल। बट बहुत ही अच्छी पारी खेली है कप्तान जी ने, अपना काम पूरा किया यहाँ पे। एक जो कैप्टन होता है वो एक अपना रोल डिसाइड करता है उसके ऊपर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बैटिंग की है उन्होंने वहां पे और अपने रोल को बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा किया। और ये एक और बहुत बढ़िया बॉल, फील्डर मौजूद वहां पे, फिर भी एक रन मिलेगा और ये आउट। अंपायर आउट का इशारा देते हुए इसी के साथ स्कॉर्पियन को पहला बहुत बड़ा झटका यहां पे लगा है, एक विकेट गवाई है स्कॉर्पियन ने। एक अच्छी शुरुआत डेविल्स इलेवन के लिए। और ये बॉल एक बार फिर हवा पे और ये एक और झटका टीम स्कॉर्पियन को, एक तीसरा झटका टीम स्कॉर्पियन को। पुनीत सिंह अभी तक बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे मिस्टर पुनीत सिंह, 22 रन बनाए हैं इन्होंने 26 बॉल्स में। मिस्टर राकेश स्ट्राइक पर और ये हवा में बॉल और ये कैच, और ये दूसरा झटका राकेश के रूप में लगा है टीम स्कॉर्पियंस को। यहां पे दो विकेट खोए हैं उन्होंने, डेविल्स इलेवन की एक अच्छी शुरुआत है, 4.96 की एवरेज से। बहुत ही अच्छी गेंद सीधा विकेटों में जाके लगी, पहली बॉल और सीधी विकेटों पे। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, बहुत ही अच्छी बॉल डाली सीधी और कर लैंड, बैट्समैन को समझ नहीं आया।